भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में न जाने कितनी दूर और हस्तिनापुर है कैसे पहुंचूंगा मैं जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचाऊ मैं कैसे कहूंगा मैं कमी नहीं है शब्दों की आज भी मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो परंतु आज अंतिम पराजय के अनुभव ने प्रकृति ही बदल दी है सत्य की आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे नूतन अनुभूति के कैसे जीवित हूं जीवित हूं आज जब कौशों तक फैली धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूल उठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित वीर। सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र अच्छा था यदि मैं भी आज नहीं बचता शेष परंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय अवध्य है कैसा यह श्राप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से परंतु कैसे कहूंगा कैसे कहूंगा सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना यह मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था जैसे कोई तेज बाण कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए चरण त्रास के बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से कैसे कैसे कहूंगा मैं वह जो सम्राटों का अधिपति था खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था ही अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा माथा झुका लिया कैसे कहूंगा मैं कैसे कहूंगा आता वह देखो मैं अपनी माथा अश्वत्थामा शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा दृष्ट द्युम के सिराने बिजली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दबा दिया पंजों से गला दबोच लिया आंखों के दोनों कटोरे से दोनों साबित गोले कच्चे आमों के गुठली जैसे उछल पड़े खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो तुम योग्य नहीं हो इसके नरपशु धृष्ट ने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की यह बदला है और फिर ठोकरों से चूर चूर कर दिए उसके मर्म स्थल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से शतानी को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार किया अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने सोया था दूर शिकंडी उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच बाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती में समा गया धुआं लोथे टूटे रथ रक्त मेद मज्जा मुंड खंडित कबंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुज मूलों से उस ये हुआ मेरी ये क्या हुआ अभी तक जो मैं दिव्य दृष्टि से था देख रहा उस पर सहसा एक पर्दा सा छा अच्छा गया ये क्या हुआ व्यास! क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए आज से सीमित दृश्य जगत से मैं कभी तृप्ति नहीं पाऊंगा सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा प्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि